आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बुधवार को युवा राजद जिला कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान 16 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी और 22 प्रखंड एवं नगर अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई। बुधवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष फैजुर रहमान ने घोषणा करते हुए बताया कि टीम में सभी क्षेत्र और सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। लालू यादव के निर्देशन और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और बिहार सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक प्रगति की ओर जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रखंड और नगर के अध्यक्ष हैं और महासचिव, उनकी पूरी टीम का संगठन विस्तार किया है जो आपके सामने रखा गया है। उसकी पूरी सूची अगर बोलिए तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। फिर से मुख्य रूप से जो इसमें बनाया गया, फैजुर रहमान तो अध्यक्ष हुए मैं, उसके साथ ही विकास पासवान को प्रधान महासचिव बनाया गया जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, शमशाद बलियाली को कोषाध्यक्ष, गौसुल आजम को उपाध्यक्ष, गौतम कुमार को उपाध्यक्ष, सरफराज आलम को उपाध्यक्ष, दीपक सिंह यादव को उपाध्यक्ष, रवि पासवान को महासचिव और जितने भी कार्यकर्तागण हैं सभी को इस तरह से जगह दी गई है। और ख़ास तौर पर यह ध्यान रखा गया है इसमें सभी वर्ग और सभी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व मिल सके और हर वर्ग और हर जाति के लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से आते हो या दलित या महादलित समाज से आते हो, हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।